हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रोमन रेंस वर्सेस द फिंड की फ्यूड को WWE ने कैंसिल कर दिया। ऐसा मैं नहीं, जो कुछ भी रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा उससे तो यही लगता है। नंबर वन कंटेंडर मैच में रोमन रेंस के लिए न्यू अपोनेंट सामने आ चुके हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनके कजिन जे उसो हैं, जिससे अब रोमन रेंस क्लैश ऑफ चैंपियंस में भिड़ने वाले हैं। अब देखते हैं ऐसा करने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। क्या WWE ने वाकई रोमन रेंस वर्सेस द फिंड की फ्यूड को कैंसिल कर दिया है या कुछ टाइम के लिए होल्ड पर डाला है? क्या वाकई फिंड को उनके हारने के बाद रीमैच नहीं मिलेगा? जैसा कि हम सभी ने समर स्लैम में देखा था कि रोमन रेंस आंधी की तरह आए, फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को मारा और तूफान की तरह चले गए। उसके बाद पेबैक में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला, जब रोमन रेंस ने पहले से पस्त पड़े ब्रॉन स्ट्रोमैन और फिंड में जमकर मार दी और विद इन अ मिनट ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके टाइटल जीत के ले गए और बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब समर स्लैम और पेबैक में WWE ने एक तरह से अपने मजबूत सुपरस्टार द फिंड को वीक दिखाया था। वहीं जो कुछ दिखा उसके बाद ये क्लियर था कि आने वाले PPV के लिए WWE द फिंड वर्सेस रोमन रेंस के बीच फ्यूड दिखाएगी और फिर इन दोनों के बीच रीमैच दिखेगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पीछे मुझे जो रीजन लगते हैं वो ये कि WWE ने इस स्टोरी लाइन को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर डाला है। अब इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, रोमन रेंस अभी चैंपियन बने हैं, अभी ही फिंड ने रोमन रेंस से दो बार मार खाई है। अब इसके बाद फिर से WWE अगर क्लैश ऑफ चैंपियंस में फिंड वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच करवाती तो जाहिर सी बात है जीत रोमन रेंस की ही होती, क्योंकि WWE रोमन रेंस को तो इतनी जल्दी टाइटल हरवाने से रही और क्लैश ऑफ चैंपियंस में फिंड की रोमन रेंस के खिलाफ हार फिंड के कैरेक्टर के लिए अच्छी नहीं होती। वैसे भी पहले ही फिंड को WWE ने वीक और स्टूपिड दिखा दिया है रोमन रेंस के सामने, जिसके बाद जो कुछ भी अब तक WWE ने फिंड पर काम करा था वो सब बेकार हो जाता, मतलब कि फिंड के कैरेक्टर में वो दम नहीं रह पाती। रोमन रेंस के हील बनने के बाद और चैंपियन बनने के बाद अभी जरूरत है रोमन रेंस को ऐसे सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़वाने की जिसके खिलाफ रोमन रेंस को आसानी से जीतता हुआ दिखाया जा सके, जिससे उनके हील कैरेक्टर को थोड़ा अच्छा बिल्डअप मिल सके। वहीं क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV उस लेवल का नहीं होने वाला है जहां WWE फिंड वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच बुक करवा दे। वहीं रूमर्स ऐसे भी हैं कि रोमन रेंस क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद होने वाले PPV हेल इन अ सेल में अपना टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे। वजह साफ है, हेल इन अ सेल और सर्वाइवर सीरीज इस बार नवंबर के महीने में होने वाले हैं, मतलब कि दो PPV आपको नवंबर में देखने को मिलने वाले हैं। सेम वैसे ही जैसे कि अभी समर स्लैम और पेबैक एक महीने में दिखाई दिए थे, जिनमें कुछ ही वीक का डिफरेंस होगा, जिस वजह से WWE रोमन रेंस से बैक टू बैक टाइटल डिफेंड नहीं करवाने वाली है। वहीं अगर WWE फिंड वर्सेस रोमन रेंस के बीच रीमैच दिखाती है तो फिर उसको वो होल्ड पे नहीं डाल पाती और बार बार इनके बीच मैच दिखाना कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। अब शायद हो सकता है कि WWE सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस वर्सेस फिंड के बीच मैच करवाए, नहीं तो दोनों ब्रांड के चैंपियंस के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दिखाई देगा, तो ये मैच भी अभी पॉसिबल नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो हाल फिलहाल रोमन रेंस वर्सेस फिंड के बीच किसी भी तरह के मैच होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इन दोनों के बीच मैच दिखेगा, कब होगा वो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। अब स्मैकडाउन में जे उसो फैटल फोर वे मैच जीतकर नंबर वन कंटेंडर बन चुके हैं और क्लैश ऑफ चैंपियंस में हमें रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच दिखने वाला है। देखते हैं इनके बीच फ्यूड और मैच कैसा दिखाई देता है, कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच रिंग में रिश्ते बीच में आएंगे, ये तो अब टाइम ही बताएगा। तो फ्रेंड, ये कुछ रीजन थे द फिंड वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर डालने के पीछे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और यहां तक वीडियो देखने वालों को दिल से थैंक यू। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।